शिक्षक संघ के मेरे संगठित साथियों, इस मंच में मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मेरी ओर से आपको सादर नमस्कार। मैं हेमा पंत, प्रवक्ता जीव विज्ञान, राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज नाई से कुमाऊं मंडल के इस अधिवेशन में आए हुए प्रत्याशी, आए हुए निरीक्षक पद हेतु अपनी दावेदारी आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। अपने छात्री जीवन से ही अपने साथियों की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनके साथ हमेशा ही मैं खड़ी रही हूँ, उनके साथ निरंतर मैंने संघर्ष किया है, तो उन्होंने मेरे ये क्वालिटी देखा। यहाँ पर भी जब से मैं अपने ये शिक्षक सेवा में आई हूँ तब से मैं अपने साथियों के लिए जब भी कोई गलत बात होती है मुझसे सहन नहीं होती है और तुरंत ही मेरे मुंह से कुछ ना कुछ निकल जाता है। तो मेरा ये गुण देखकर मेरे साथियों ने मुझे मोटिवेट किया कि आप कार्यकारिणी में आइए और हमारी आवाज बन करके संघर्ष कीजिए। तो साथियों, मैं आपके साथ सम्मुख खड़ी हूँ। अगर आप मुझे इस चुनाव में आए हुए निरीक्षक प्रत्याशी के रूप में चुनते हैं तो मेरी प्राथमिकताओं में हमेशा ही शिक्षकों का हित सर्वोपरि रहेगा, छात्र हित सर्वोपरि रहेगा और शैक्षिक उन्नयन के लिए हम लोग मिलजुल कर प्रयास करेंगे। साथियों, आप लोग उत्तराखंड की परिस्थितियों से भली भांति परिचित हैं कि कैसे रिमोट एरिया में हमारे साथी अपनी सेवाएं देते हैं। इतने अति दुर्गम इलाके हैं, विद्यालयों में संसाधनों की कमी है, हमारे बच्चों के लिए बैठने की पूरी तरीके से व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, लैब नहीं होती हैं, तो हम किस तरीके से उसको करें। इसके अलावा गैर शैक्षणिक कार्य हमारे ऊपर इतने लाद दिए जाते हैं, हमारा जो प्रशासन है वो भी हमारा साथ नहीं देता, अभिभावक भी हमारे साथ नहीं देते हैं। इतने दुर्गम के इलाके हैं, अपनी पूरी सेवा काल के दौरान एक शिक्षक जो इतने दुर्गम में रहते रहते अपना नकारात्मकता को एक प्राप्त कर सकता है परंतु फिर भी वो अपने पूर्ण मनोयोग से वहाँ पर काम करता है, लेकिन सरकारी नीतियाँ जितनी भी आती हैं उनका ठीकरा उसके सिर फोड़ा जाता है, उसका दोष उसके सिर मढ़ा जाता है। जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा अटल उत्कृष्ट के हमारे शिक्षक साथियों के साथ किस तरह का व्यवहार इन्होंने किया। तो साथियों, उसके बाद पूरी सेवा काल के दौरान जब अंत में रिटायरमेंट उसका होता है, सेवानिवृत्ति, पहले ओल्ड पेंशन योजना थी, अब सरकार पकड़ा रही है एनपीएस का झुंझुना, तो हमें मिलजुल कर इसके लिए प्रयास करना है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप कार्यकारिणी में मुझे आए हुए निरीक्षक पद पर चुनिए और आप मुझे चुनकर कभी भी इस पद पर आप निराश नहीं होंगे। मेरा कदम से कदम मिलाकर हमेशा ही प्रांतीय कार्यकारिणी और जिला कार्यकारिणी ब्लॉक को सबको साथ लेकर के चलूंगी, ये मेरा आपसे कहना है। आप मुझे सहयोग दीजिए, मैं आपकी समस्याओं के लिए हर संभव प्रयास करूंगी, हमेशा संघर्ष करती रहूंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक संघ।